What's up guys? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कैरियर से होंगे। एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ आपका दोस्त मोहम्मद तनवीर आपकी खिदमत में एक मतलब फिर हाजिर है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रमजान मुबारक स्टार्ट होने वाला है और रमजान मुबारक में काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि वो सुबह सवेरे उठकर दही नहीं ला सकते, जैसा कि अक्सर मेरे साथ रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हम लाए आपके लिए एक शॉर्ट सी बट हेल्पफुल वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने ले लिया एक प्यारा सा पेन और दूसरी तरफ मेरे पास मौजूद है 1 लीटर खालिस दूध। इस दूध को मैं इस पैन के अंदर डालूंगा बॉईल करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कितना गाढ़ा हमारे पास दूध मौजूद है। दूध को बॉईल करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलें अब इस दूध को हम बॉईल करते हैं। दूध को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अब हम इसके उबाल आने का इंतजार करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध को उबाल आ चुका है और अब हम जल्दी से इस पैन को चूल्हे से उतार लेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है क्योंकि अब मैं आपको वो चंद टिप्स बताऊंगा जिससे आपका भी दही एकदम गाढ़ा जम सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने दूध को अच्छी तरह फेंट लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ताकि इसकी क्रीम ऊपर आ जाए। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी दही खट्टी जमती है। तो इसका सलूशन ये है कि आप इसी गर्म दूध में 1 चम्मच चीनी ऐड कर ले तो इसको इस दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इससे ये होगा कि आपकी दही जो है वो खट्टी नहीं जमेगी। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप कोई स्टील का बर्तन ले लें जिसमें आप उस दूध को डाल दें। अगर आपके पास मिट्टी का भी अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अब हमने इस नीम गर्म दूध के अंदर 2 चम्मच दही के ऐड करने हैं और इसको जरा मिक्स कर लेना है। दोस्तों तीसरा और आखिरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और उसका क्रम करके इसके ऊपर चारों तरफ फेंक देना है, ताकि इसका इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा जमेगा और इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों आपने तमाम स्टेप्स को अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है और नेक्स्ट टाइम जब भी आप दही बनाएं तो इन स्टेप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका भी दही गाढ़ा जमेगा। चलें दोस्तों, अब इस बर्तन को हम कपड़े के साथ कवर करके 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा दही कैसा जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें तो दोस्तों खोल के देखते हैं कि हमारा दही कैसा बना है। तो चलें खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा दही कितना गाढ़ा बना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी दही बनाएंगे तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और आपका भी दही इसी तरह बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद तनवीर को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने कहा। Thank you.